अम्मा कहाँ हो? नरक के दरवाजे पे हूँ। ले मेरे बटकी तू चली जा। ना ना तुम ही जाओ, हमने कोई बुरा कर्म थोड़ी ना करे। हम तो नरभक्षी है ना, साबुत का साबुत इंसान निकल जावे। इंसान है तो ना, पर इंसान के दिमाग जरूर निकल जाओ। तू अपना बचा के राखियो। मैं तो अपना बचा के रखूंगी, पर तुमने क्या कर रखा है? सबे उल्टा जवाब दे रखा। अरे मैं यहाँ हेलमेट को पूछ रही हूँ, काहे को नाड़ पे जोर गिर रखा है? इरे वजन मेरी नाड़ पे, तेरी नाड़ काहे को दर्द मार रही है? मेरी नाड़ काहे को दर्द मारेगी? मैं तो नुकेर रही हूँ, मोटरसाइकिल चलाती हुई लगा मैं। हाँ तो मैं चक्कू चलाते टाइम लगा रही हूँ, कहाँ दिक्कत है? तो हेलमेट से प्याज को कहाँ मतलब है? देखा जावे तो तेरा भी मौसू कहाँ मतलब, पर प्याज और हेलमेट का हैगा। हेलमेट लगा के प्याज काटने से आंसू ना आते आंसू। ओहो अम्मा, तुम में तो बहुत दिमाग है सच में। मो में तो बहुत दिमाग है, पर कुछ लोगों में जरा सी भी बुद्धि ना, बातें नौ नौ गज की करेंगे। अरे नौ गज से याद है, वो हमारा ध्यानचंद ना, ध्यानचंद वाने हमारे बराबर वाला 100 गज का प्लॉट खरीद लिया है। किससे खरीद लिया? जिसका प्लॉट है वहां से। अरे यू तो मो भी पता, जिसका प्लॉट है वही से खरीदा होगा, पर प्लॉट किसका है? रजिस्ट्री हो गया, अब तो ध्यानचंद का ही है वो। अरे काई को बुद्धि का बता सा कर रही है, मैं नू पूछ रही हूँ पहले किसका है प्लॉट। अरे अम्मा ऐसे पूछो ना। मैं तो ऐसी पूछ रही हूँ तो पता न कहा सुनाई दे रहा। सीमा देवी का है पहले, वो जो हमारे यहाँ किराए पर है। अरे ना, जो पिछली साल इलेक्शन में खड़ी हुई और फिर बाद में पता पड़ी वाके घर ने भी वोट न दिया। हाँ उई। कद हुई रजिस्ट्री? कल ली तो हुई है। बता, हम 1.5 महीना से पता करते करते मर गए, किसका प्लॉट है किसका प्लॉट है, कहीं ना बताई ना हमें। अरे तो मुझसे पूछ ली होती। अरे मो कहा पता ही, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करे। अब जब पता पड़ेगी है तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, बताएगी? हाँ हाँ पूछो अम्मा पूछो, मैं बताऊंगी तुम्हें। यू ही कि तू मेरे धोरे किस्मत बल से आई है, ना तो मैंने कीर्तन रखवाया ना तो बुलावा लगवाया। ए अम्मा तुम तो कतई साफ साफ पूछ लो। हाँ मो साफ सफाई थोड़ी ज्यादा पसंद है ना हमारे। बड़ी बेशरम बुढ़िया। तो तू ही थोड़ी शर्म कर ले, बिना कुछ मांगे कटोरी को बगल में दबा कर दरवाजे से निकल जा बाहर फटाफट चल। अरे अम्मा चल, मैं तो हाल चाल ही पूछने आई। अब जानगी ना मैं सही हूँ, निकल अब। अरे अम्मा तुम्हारे तो मोटर में भी जंग लग रहा। बेटा हमारे मोटर में जंग लग रही है पर मेरी बुद्धि में न लग रही, गई ना गई। मोटर में जंग लग रहा, तेरी कटोरी में ना लग रहा है कि मांगने कुछ 24 घंटे, यू मांग लो वो मांग लो। बिजली, ओ बिजली, अरे तू यहाँ है? वही तो, जिसे सलमान खान की गैल होना चाहिए वो यहाँ बैठ के यहाँ का न्यार कर रही है। अरे थम जा, धरती पे आ जा, मैं नू कह रहा हूँ भैंसन का न्यार क्यों कर रही है अभी? अभी ना तो कहा सांझ को करूंगी, भूखे हैं बिचारे ढोर। अरे मेरा मतलब है स्कूल ना जाएगी? ना यार स्कूल ना जाने क्यों, फीस जमा ना आना। तो कहा हुआ, कह दियो लाना भूल गई? हाँ फिर मास्टर पूरी क्लास के सामने खड़े करके मेरी बेइज्जती कर देगा। हाँ यूँ तो है, यही मार तो, जब तक अम्मा फीस ना देगी तब तक मैं स्कूल ना जाने की। मैं सोच रहा हूँ फिर मैं भी ना जाऊँ। क्यों, तेरी भी फीस जमा ना? रे चले, मेरी तो 2 महीने के एडवांस जमा हो रखी है। ओहो बेस्ट फ्रेंड गिरी दिखा रहा बेटे। दिखा कहा रहा हूँ, वो तो मैं हूँ ही तेरा बेस्ट फ्रेंड। चल मैं काम निपटा लूँ फिर खेलने चलेंगे। ठीक है चल, जब खेलने जावे तुम आवाज मार लीजो। ठीक है। जब देखो तब कटोरी लेकर आ जाएगी, कभी चीनी दे दो कभी छोले की सब्जी दे दो कभी यू दे दो कभी यू दे दो। आज कटोरी लेकर आई है, कल पतीला लेकर आएगी, परसों ड्रम लेकर आएगी, वो दिन दूर ना जब ट्रक लगा के हमारे घर का सारा सामान भर के ले जाएगी। तेरा कौन ले जाएगा सामान भर के? वो बेसोया की बहू, उनकी तो पता ना, पर मैं जरूर ले जाऊंगी, वो भी एक ना दो दो ट्रक सामान भर के। कंजूसी मत ना करियो कतई। तेरा कौन सा सामान कहाँ ले जाएगी? दहेज का सामान ससुराल में। दहेज मांगना गैर कानूनी होवे, पता हो तो कौन सा तुम्हारा दामाद दहेज मांगेगा? वो दहेज तो मैं मांग रही हूँ, वैसे भी या माइके में मो 150 के लत्ता
अरे 50 रुपया की चप्पल के अलावा मिला ही कहा दाल रोटी। हाँ तो वे दाल रोटी खाई ना जाती, डायरेक्ट पेट में डालनी पड़े। दुनिया के घर में मटर पनीर, शाही पनीर, राजमा चावल, छोले चावल सब बने, हमारे घर में दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी। अरे तो कहाँ खाएगी, चल बता। दाल रोटी के अलावा हवा भी खिला दोगी, वो भी चलेगी। अरे सच में पूछ रही हूँ, कहाँ खाएगी बता, वो ही बना दो फिर जल्दी। सच में तो ऐसा करो, मटर पनीर बना लो आज। अरे बेटा पनीर तो ना, और मटर उकल आलू गोभी की सब्जी में गेर दी। तो ऐसा करो हवा बना लो, वही खा लूंगी। सुन राजमा रखा कहवे तो वो बना दूं। तो फिर बना दो बना दो। चल ठीक है, मैं उबलना धर दे रही हूँ, ठीक है राजमा। तब तक तू जाके वो लिया धनिया लिया। ठीक है लाओ पैसा। अरे धनिया कौन पैसा में देवे, वो तो फ्री में आवे। अरे तो फ्री में चाहिए, तब भी तो कोई ना कोई सब्जी खरीदनी पड़ेगी, तभी तो वो फ्री में देगा धनिया। अच्छा चल ठीक है, यू ले 10 रुपया 10 के आलू लिए। जल्दी जल्दी कर दे रही हूँ। ओ, बिजली फोन बुला रहा। अरे इधर देख, इधर किधर? अरे यहाँ तरफ। अच्छा तू बुला रहा, मोला का पतन कौन बुला रहा कहा? अरे कुछ ना होएगा कहा। तेरा आवाज काई को मार रहा, नू बता। तो रोकने को और काई को। ठीक है रुक गई, अब जाऊं। कहाँ जा रही है? विदेश जा रही हूँ, चलेगा? ना वीजा ना बना मेरा, तू ही घूम आई हो। ना ना घुमा लाऊं तो आ जा। अरे सच बता कहाँ जा रही है? मैंने तो कही ना, जब खेलने जावे तो मोबाइल लेके चलियो, तू चुपचाप जा रही है। अरे यार सब्जी वाले की दुकान तक जा रही हूँ आलू लेने। अरे मैं भी चल रहा हूँ, चल आलू उठवा दूंगा। उठवाने को बोरी दो बोरी आलू ना, 10 के आलू लाने हैं। अरे ज्यादा 10 रुपया के आलू ना कौन खरीदे रोज की रोज, मेरे पापा तो सीधी मंडी से बोरी उठा ला मैं। अच्छा जी, फिर अम्मा काई को ना मंगाती बोरी के आलू? अरे तो अम्मा से पूछ लियो एक बार, जिस दिन पापा मंडी जाएंगे वह दिन तुम्हारी भी एक बोरी उठा लेंगे। ठीक है चल अम्मा से पूछ लूंगी, अभी फिलहाल 10 के आलू लेकर अम्मा को दे दूं जाके। चल बता दियो ध्यान से जब मंगवाने हो। अंगूर खाएगा? अरे ना यार मेरे उधर पैसे ना। अरे मैं खिला रही हूँ ना। अच्छा जी, सब कुल तेरे उधर 10 रुपया, उनमें से तो अंगूर खाएगी आलू खरीदेगी? तेरे अंगूर खाने को जेब में पैसा ना, मुंह में चटोरी जुबान होनी चाहिए। हैं? आजा चल मैं दिखाऊं। अंगूर कैसे दी भैया? 80 रुपए किलो है जी। अच्छा मीठे मीठे हैं कि ना हैं? अरे खूब मीठे हैं, खा के तो देखो। तू भी खा के देख लियो। पनीर से लग रहे हैं कुछ। वा वाले गुच्छे में से दिखे। कितने कर दूं? ना ना रहन दो, बोलेगा मीठे ईटे होंगे, 1-2 किलो ले लूंगी। पर ये तो पनीले से हैं, चल आगे से लेंगे, वहां मीठे और ताजे मिले हैं। आजा मीठे तो हैं, अब क्या इसमें चीनी मिला के दूं? मुफ्त का खाने वालों डायबिटीज से मरोगे तुम। ओ भैया आलू कैसे दिए? 20 रुपए किलो। तो ऐसा करो 10 के दे दो। ओए 10 के कितने मिलेंगे? जब 20 के 1 किलो तो 10 के आधी किलो होंगे। यहाँ तो 500 का बट्टा रख रखा। आधा किलो तोलेंगे तो 500 का बट्टा धरेंगे। और अगर 1 किलो हो तो 1000 का? अरे ना वहाँ में 1 kg का। जब आधे किलो में 500 का तो 1 किलो में 1000 का बट्टा होना चाहिए ना। तो बकवास मत कर, आलू ले और चल। बकवास बता रहा, हिसाब किताब रखने वाले बालक ही देश का नाम रोशन करें। सब्जी कहाँ? अरे नवाब
फोन पर बाद में लग लियो। चल बाबू मैं तुझसे रात में बात करूंगा अकेले में, ठीक है? आलू दे। चल तैयार, मैं बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ। ठीक है जा। बस आलू ही लाइए और 10 रुपए में तुम आलू के परांठे ले होगी। तेरे नौस पीटी जिस मारे आलू लेने भेजा हूँ, कहाँ है तेरे यार? आलू की सब्जी बनाने को ही आलू लेने भेजे होंगे और काय मारे भेजोगी? धनिया के मारे। और हाँ, धनिया के मारे ही तो भेजा। ठीक है जा रही हूँ। फल वाला कहाँ चला गया दुकान के लिए छोड़ के? पहले आसपास देख ले रही हूँ कहीं है तो ना। 5-6 अंगूर खा ले रही। क्या चाहिए? अंगूर चाहिए। कितने चाहिए? 1-2 किलो ले लूंगी। पहले नू बता मीठे हैं कि ना हैं? बहुत मीठा खा कर देखो। तू फिर से आ गई मुफ्त का खाने? अजी हाँ, मुफ्त के। मुफ्त का तो हम पानी भी ना पीते हैं। रोज 10 की बिस्लरी की बोतल आवे पानी की। पैसे निकाल। अंगूर लेने से पहले पैसे बता तो बता, फिर कितने कर दूं? 1 किलो कर दो। ऐसा करो रहन दो, कुछ खास मीठे ना। मीठे ना है तेरी तो। चली गई लौंडिया, धनिया लेने भेजी, बोना चली गई कैसे धनिया? या लौंडिया को लठ पड़ने चाहिए या का पाम न टिकता घर में कतई भी। आ जा मैं बताऊं या। राम राम मेरे लाल पीले हरे नीले कैसे सारे सर, वो बता। तुम लोग एकदम टनाटन हो गया। अगर तुम टनाटन हो तो तुमने यह वीडियो को एंड तक देख लिया होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में यूं जरूर बताओ कि तुमने भी थेली पैसो ऐसी उठा उठा के अंगूर खाए हैं कि ना खाए। अगर खाए हो तो कमेंट करके बताओ और सबकी गल शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा, ना कर रखा हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी तुम सबको मेरी ओर से लव यू।